हेलो, ईद मुबारक। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो आज मैं दुबई के फेमस में से एक फेमस जगह वन GLT के पास खड़ा हूँ और काफ़ी खूबसूरत जगह है ये भी और काफ़ी खूबसूरत प्लेस है। तो काफ़ी घूमने लायक का जगह है, मैं आपको दिखाऊँगा। शाम का वक्त है और ये देखिए काफ़ी खूबसूरत जगह है। यहाँ पर भी घूमने लायक का बहुत अच्छा है और यहाँ छोटा सा गार्डन जैसा है। यहाँ पर लोग रेस्ट करते हैं, घूमते हैं, जॉगिंग करते हैं। तो सब कुछ मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी ये जगह आए और मज़ा कर सकें। और यहाँ पर मतलब गार्डन का कोई पैसा नहीं लेता है कुछ। तो ये वन GLT जो है दुबई का फेमस जगह में से एक जगह, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये गार्डन है, बड़ा सा, बहुत ही बड़ा गार्डन है। तो आसपास का ये रेस्टोरेंट भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और काफ़ी खूबसूरत है। शाम का मंज़र है और गर्म का वक्त, शाम काफ़ी खूबसूरत लगता है और यहाँ लाइट देखिए, चमचमाती हुई लाइट, और भी बहुत कुछ है। तो आगे चलते चलते मैं आपको दिखाते रहूँगा, तो वीडियो के अंत तक बने। देखिए सामने से इसका वन GLT है, देखें वन GLT यार। इसके पास आसपास आपको रोड देखने को मिलेगा, काफ़ी खूबसूरत बड़ा रोड है, सिख जैद रोड। और यहाँ पर ही सामने बहुत बड़ी इमारत और ये एक क्रॉस है, ब्रिज है, एक पुल जिसे कहते हैं, तो कुछ ऐसा बनाया गया है, आप यहाँ से भी क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर ये सामने आपको इमार मॉल मिलेगा देखने को, नज़र आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ से कुछ ऐसा नज़ारा है शाम का, बहुत ही खूबसूरत और बोले तो बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को लग रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। और ये देखिए यहाँ बास्केटबॉल खेलने का अलग से प्लेस बनाया गया है। तो ये वो ब्रिज है जो मैं आपको दूर से दिखा रहा था। तो इस ब्रिज को आप क्रॉस करेंगे तो वन GLT 2 देखने को मिलेगा। और ये देखिए ये है मरीना मॉल, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखा दिया है। तो ये GLT 1 का दूसरे साइड का पार्ट है। तो ये देखिए इसके आसपास बच्चे लोग के लिए पार्क छोटा सा, मतलब, और जिम भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा लगाया गया है। तो मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ और आगे में भी बहुत कुछ है, तो अंत तक देखिए। और यहाँ ईद के त्यौहार पर देखिए ईद मुबारक लिखा हुआ, काफ़ी खूबसूरत लाइटिंग वगैरह लगाई है ईद के लिए, बकरीद के लिए। तो सेलिब्रेशन ये देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए मैं सामने से दिखाता हूँ आपको। और ये देखिए यहाँ के गवर्नमेंट में पानी का ये लगाया है, तो सेंसर के साथ आप देखिए पानी पी सकते हैं इजली, आराम से, किसी को भी प्यास लगे तो चाहे तो पानी पी सकते हैं, आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, या फिर बोतल वगैरह है तो उसमें आप भर के आसानी के साथ पी सकते हैं। और काफ़ी ठंडा पानी है, प्यास बुझ जाती है। तो ये शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको सब कुछ दिखाया है और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।